हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ बनाए थे पालक दाल और चावल। तो चलिए रेसिपी बताते हैं, इंशाल्लाह रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो भी पूरी देख के जाइएगा, ठीक है? तो ये हेल्दी भी बहुत है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। एकदम सिंपल रेसिपी है ये, ठीक है? तो यहाँ देखिए, हम फ्रेश पालक ले लिए हैं। आपको एकदम ताज़ा ताज़ा पालक लेना है, ठीक है? ताज़े पालक की मतलब दाल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए, हम अच्छे से इसको काट लिए हैं, बारीक नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। तो हम एक कप मसूर के लिए थे, छोटी कप थी एकदम, और आधे कप माश के लिए थे, ठीक है? अगर आपके पास पश्मील दाल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ज़्यादातर ये पश्मील दाल डाल के अगर आप बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी। थोड़ी सी अदरक ले लीजिएगा, बारीक काट लीजिएगा। ये हल्दी आधी चम्मच, ठीक है? हरी मिर्च हम ले लेंगे 4-5, इसको आधी आधी काट लेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, ठीक है? तो हम सब एक साथ डाल के बनाएंगे। तो इधर हम कुकर में दाल डाल दिए हैं दोनों, ठीक है? इसको हम ना सुबह भिगो दिए थे अच्छे से, 4-5 घंटे पहले भिगो दिए थे। मतलब हम 6-7 बजे भिगो दिए थे और हम बनाए थे इसको 11 या 12 बजे बनाए थे। इसके बाद हम दाल डालने के बाद हम पालक डाल देंगे, ठीक है? पालक डाल दीजिएगा। पालक देखिए कितना अच्छा है, हरा हरा एकदम है, एकदम ताज़ा हम लाए थे, ठीक है? तो हम ऐसे डाल देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च, हल्दी, सब आप एक साथ डाल दीजिएगा। नमक टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, अदरक, ठीक है? अदरक इसमें ज़रूर डालिएगा। पानी डाल देंगे हम इसमें, पानी भी आपको उतनी ही डालना है जितना आप दाल में डालती हैं, ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है? पालक वैसे तो एक भाप में गल जाएगा अभी, तो हम वैसे मिक्स करके चढ़ा देंगे, ठीक है? तो इसमें ना हम मतलब मसूर, लाल मसूर और माश की दाल डाले थे, तो ये 1 या 2 सीटी में गल गया थी, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा था। चलिए हम इसको मतलब चढ़ा देते हैं, ठीक है? आप 2 सीटी में इसको उतार दीजिएगा। इधर देखिए, दाल मेरी बन गई है, ठीक है? अब इसको हम चलाएंगे तो देखिए दाल कितनी गाढ़ी हुई है, माशाल्लाह। तो ये दाल लो आप, गाढ़ी बनाया करिए, पतली मत बनाया करिए, गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। तो आपके पास अगर ऐसे लकड़ी का है तो आप ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं इसको, ऐसे करने से ना अच्छे से मिल जाएगी और पालक जो रहेगा अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है? ये दाल अगर आप बना रहे हैं ना तो ये इसको मतलब इसका नाम नहीं मालूम मेरे को, ठीक है? तो आप इसको इससे ज़रूर ऐसे घोलिएगा, ठीक है? देखिए, तो आजकल ऑटोमेटिक भी आ गई है, आप लोग के पास तो रहती ही होगी वो, उससे भी कर सकते हैं, मगर लकड़ी का आप अगर है तो आप इससे भी करिए, ठीक है? तो देखिए हम अच्छे से मिला लिए, कितने अच्छे से ये मिल गई है। इधर हम तड़का लगाएंगे, तो तड़के में हम ले लिए हैं ज़ीरा और सूखा मिर्चा बस, और आप इसमें कुछ भी नहीं डालना है, फटाक से इसको तड़का लगा देना है, ठीक है? इसको अच्छे से लाल कर लीजिएगा, फिर तड़का लगा देंगे। गैस को हम कर दिए हैं बंद और ये हो गई है, तो हम देखिए तड़का लगा दिए। अब इसको हम निकाल देंगे थोड़ी देर ना, मतलब तड़का लगाने के बाद, ऐसे तो हम आपको दिखा रहे हैं मगर ना थोड़ी देर ढाक मतलब ढक्कन से आप ढाक दिया करिए, 10 मिनट के बाद खोलिएगा। हम तो आपको ऐसे दिखाने के लिए मतलब दिखा रहे थे, ठीक है? 10 मिनट आगे से
ढक्कन से लगा दीजिएगा, बस 10 मिनट उसके बाद खोलिएगा, थोड़े से ना जो खुशबू होती है वो अंदर भिन जाए। या प्लेट में हम राइस लगा लिए और हम दाल निकाल देंगे। इसके साथ आप मिर्ची को फ्राई कर लीजिएगा और अचार ले लीजिएगा बस। और इसके साथ सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। माशाल्लाह ये दाल इतनी अच्छी लगती है, तो आप लोग भी हेल्दी सी दाल ये वाली ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह आप लोग को अच्छी लगेगी। तो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो भी पूरी देख के जाइएगा, ठीक है। तो और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और इधर हम आपको थोड़ा दिखा भी रहे थे, हम अचार ले लिए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।